उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सियासी दंगल एक बार फिर गर्मा गया। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने आज बीएसपी के सभी बागी विधायकों से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान दोनों पार्टियों में आने वाले विधानसभा चुनाव पर काफी लंबी चर्चा हुई। सूत्रों की माने तो समाजवादी पार्टी इन दिनों बीएसपी के सभी बागी विधायकों के सम्मान में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। आपको बता दें, राज्यसभा चुनाव के लिए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने पहले बीएसपी के खेमे में सेंध लगाने की कोशिश की थी। उस वक्त बीएसपी के साथ विधायकों को निष्कासित कर दिया गया था और हाल ही में बीएसपी से दो वरिष्ठ विधायक निष्कासित हुए थे। उत्तर प्रदेश में इस वक्त सियासी हलचल मची है। बीएसपी की इमारत ढहने की कगार पर है। चर्चा के मुताबिक बीएसपी के सभी बागी विधायक जल्द ही समाजवादी पार्टी का हाथ थाम कर विधानसभा चुनाव सपा के साथ लड़ सकते हैं। वहीं दूसरी ओर सपा सुप्रीमो ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सभी बागी विधायकों के आने पर समाजवादी पार्टी मजबूत होगी। इनके सहयोग मिलने से मिशन 2022 को पूरा करने में सफलता हासिल होगी। उसके बाद समाजवादी पार्टी की एक बार फिर से सरकार बनेगी। दरअसल पिछले वर्ष राज्यसभा चुनाव के दौरान बीएसपी में काफी उथल पुथल मची थी। बीएसपी के साथ विधायकों ने सपा सुप्रीमो से मुलाकात की थी, जिसके बाद में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया था। बीएसपी से निलंबित हुए बाकी विधायकों के नाम आसलम ईरानी, मुश्तबा सिद्दीकी, हाकिम लाल बिंद, हरगोविंद भार्गव, असलम अली चौधरी, सुषमा पटेल हैं। हाल ही में बीएसपी के बाकी विधायक असलम ईरानी का बयान सामने आया। उनके मुताबिक बीएसपी के बाकी विधायक मिलकर नई पार्टी बनाएंगे। पार्टी के मुखिया होंगे लालजी वर्मा। बीएसपी से बगावत करने वाले 11 विधायक उनके साथ हैं। इसके आगे उन्होंने कहा कि बीएसपी सुप्रीमो से नहीं बल्कि सतीश मिश्रा से शिकायत की है। इस वक्त पार्टी में सिर्फ एक एमएलए की कमी है। एक विधायक की कमी पूरी होते ही दल बनाएंगे। आपको बता दें कि पार्टी का नाम दल के मुखिया लालजी वर्मा तय करेंगे। अखिलेश से मुलाकात पर बागी विधायक असलम ईरानी ने कहा कि हम किसी भी नेता से मिल सकते हैं, आज मुलाकात हुई इसका कोई सबूत नहीं। इस मामले पर समाजवादी पार्टी की ओर से काफी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। दिवंगत मशहूर शायर मनोवर राणा की बेटी और समाजवादी पार्टी के नेता सुमैया राणा ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि कोविड जैसी महामारी में राम के नाम पर वोट लिया, राम को ही लूट लिया और इस राजनीति का जवाब जनता देगी। 2022 में हमारी सरकार बनेगी और सारे हिसाब होंगे। इसके आगे वो कहती हैं, जो लोग समाज हित में काम करते हैं उनके लिए सपा के दरवाजे खुले हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पैंडेमिक के टाइम में जनता त्रस्त हुई, उसके बाद आप राम को भी नहीं बख्श रहे हैं। आपने राम के नाम पर वोट लिया और फिर आपने राम को ही लूट लिया, तो ये किस तरीके की आप राजनीति कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जनता भी इसका जवाब देगी 2022 में, और निश्चित तौर पर हमारी सरकार बनेगी तो एक एक चीज़ का हिसाब ज़रूर होगा। देखिए, जो लोग भी ये, जिनको भी ये लग रहा है, जिनका ये ज़मीर कह रहा है कि हमको ऐसी पार्टी के साथ आना चाहिए जो जनता हित में काम करती आई है और आगे भी करेगी, निश्चित तौर पर उन लोगों का ही फैसला है कि वो हमारी पार्टी के साथ आएँ और उनका पूरा स्वागत है इस पार्टी में। तो ऐसे तमाम लोग जो मिल करके समाजवादी की सरकार बनवाने का प्रण लेते हैं और काम करते हैं जनता हित में और प्रदेश के हित में, तो उसके लिए जरूर रास्ते खुले हुए हैं समाजवादी पार्टी के। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान कहते हैं, इस वक्त केवल अखिलेश यादव ही हैं जो बीजेपी से मोर्चा ले सकते हैं। विधायक ने कहा कि सिर्फ सपा ही हर धर्म का सम्मान करती है। जो लोग बीएसपी की नींव बताए जाते थे, आज बीएसपी ने उनका भी अपमान किया। सपा में हर वर्ग का सम्मान है। देखिए, चर्चा तो आम है और आप भी जानते हैं और हम सब जानते हैं कि इस समय अगर बीजेपी से कोई मोर्चा ले सकता है तो सिर्फ अखिलेश यादव जी की पार्टी, जो समाजवादी पार्टी है, और हर आदमी जानता है कि यही पार्टी वो है जहाँ पे विश्वास, यकीन और हर धर्म का सम्मान कराया जाता है। बसपा के लोग जो उत्पीड़ित थे बहन जी की तानाशाही से, जैसे आपने देखा होगा जो काशी राम के समय के थे लोग, लालजी वर्मा जी आदि लोगों को निकाल दिया गया। अब क्या कारण थे ये इतना बड़ा इशू नहीं है, पर वो लोग जो बसपा के नींव बताए जाते थे, आज उनका भी सम्मान नहीं, वो भी अपमानित महसूस कर रहे हैं। और ये वो सरकार है अखिलेश यादव जी, जहाँ हर वर्ग के लोगों का मान सम्मान, मेरे जैसे आदमी जो 5 बार के विधायक अलहमदुल्ला हैं, 3 बार के हम स्वयं हो गए, यहाँ कार्यकर्ताओं को कार्यकर्ता समझा जाता है, यहाँ कार्यकर्ताओं को गुलाम नहीं समझा जाता है।
समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील साजन ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा, पंचायत चुनाव में सपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। हम सभी वर्गों के लोगों को उनका अधिकार और हिस्सेदारी देंगे, सुनिश्चित करेंगे कि कैसे यूपी अखिलेश यादव के नेतृत्व में तरक्की करे और आगे बढ़े। सीएम योगी पर निशाना साधते हुए कहते हैं कि साम दाम दंड भेद से वो अगला चुनाव जीतेंगे। निर्दलीयों को डराया जा रहा है, बीजेपी केवल लूटने में लगी है। तो हम सभी वर्गों के लोगों को एक साथ ला करके, एक मंच पर ला करके भाजपा को हटाएंगे और सबका अधिकार और सबकी हिस्सेदारी, समाजवादी पार्टी का जो नारा है, उस नारे के साथ हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में तरक्की की तरफ जाए। जनता का आशीर्वाद, जनता का समर्थन समाजवादी प्रत्याशियों को मिला और उसके बाद बड़ी संख्या में निर्दलीय जीते हैं। भाजपा कहीं 3 जीती, कहीं 4 जीती, कहीं 8 जीती, कहीं 10 जीती। वो अयोध्या हार गए हैं, बनारस हार गए हैं, गोरखपुर हार गए, प्रयागराज हार गए, चित्रकूट हार गए, मथुरा हार गए। लेकिन अब कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक की और उन्होंने टारगेट दिया कि 65 जीतने हैं। तो 65 कैसे जीतेंगे? साम दाम दंड भेद से जीतेंगे, खरीद के जीतेंगे। समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, जो मेंबर हैं, उन पर FIR की जा रही है, निर्दलियों पर FIR की जा रही, डराया जा रहा है। मुझे लगता है कि भाजपा और भाजपा के समर्थन वाले लोग केवल लूटने में लगे हैं। कोई बैंक लूट रहा है, कोई कुछ लूट रहा है, केवल भ्रष्टाचार हुआ है। हालांकि BSP द्वारा सभी विधायक निष्कासित किए जा चुके हैं। निष्कासित होने के बाद सभी बागी विधायक अपनी अगली रणनीति के लिए कई बार समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव से मुलाकात कर चुके हैं।